हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के फुल फॉर्म को सीखेंगे दोस्तों, जो दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं और दोस्तों साथ ही साथ कंपिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ड है आप लोगों के लिए KYC। तो दोस्तों KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है दोस्तों, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, जिसको दोस्तों हिंदी में अपने ग्राहक को जाने कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नो योर कस्टमर का मतलब अपने ग्राहक को जाने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है OTP। तो दोस्तों OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, जिसे हिंदी में एक बारी पासवर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है SMS। तो दोस्तों SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक दोस्तों, SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, जिसे हिंदी में लघु संदेश सेवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए TDS। तो दोस्तों TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। ठीक दोस्तों, TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, जिसको हिंदी में स्रोत पर कर कटौती भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है आप लोगों के लिए GST। तो दोस्तों GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, GST का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स होता है, जिसे हिंदी में वस्तु सेवा कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ITR। तो दोस्तों ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है दोस्तों, ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जिसे हिंदी में आयकर वापसी भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है EMI। तो दोस्तों EMI का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक दोस्तों, EMI का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जिसको दोस्तों हिंदी में समान मासिक किस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ATM। तो दोस्तों ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसे हिंदी में दोस्तों स्वचालित टेलर मशीन या फिर दोस्तों स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए PAN। तो दोस्तों PAN, PAN, PAN का दोस्तों फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, PAN का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसको हिंदी में दोस्तों अस्थाई खाता संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है SIM, SIM, SIM। तो दोस्तों SIM का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, SIM का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, जिसको हिंदी में ग्राहक पहचान मॉड्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए UPI। तो दोस्तों UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसको हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है NRI। तो दोस्तों NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है दोस्तों, NRI का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, जिसे दोस्तों भारतीय प्रवासी भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए SBI। तो दोस्तों SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है CNN। अर्थात दोस्तों CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज़ नेटवर्क होता है, जिसको दोस्तों हिंदी में केबल समाचार तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है GPS। तो दोस्तों GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में दोस्तों विश्व की स्थिति निर्धारण व्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को हिंदी में विश्व की स्थिति निर्धारण व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए PIN। तो दोस्तों पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, पिन का फुल फॉर्म
पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जिसे दोस्तों हिंदी में डाक सूचक संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज़ का आप लोगों के लिए MRI। तो दोस्तों MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक दोस्तों, MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबकी भी के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, मैग्नेटिंग रेजोनेंस इमेजिंग का हिंदी होगा दोस्तों चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जितने भी महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्रमुख शब्दों के फुल फॉर्म होते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, तो दोस्तों यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दोस्तों इसका लाभ वो भी ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।